बेहद ही खास पल और भाव विभोर कर देने वाला ये पल। आज दीपावली मनाई जा रही है और आज हर कोई दिया जला रहा है। अयोध्या में भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और देश भर के लोग अपने अपने तरीके से इस दिन की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच आप देख रहे हैं अयोध्या की तस्वीर और जनकपुर की तस्वीर, दिए जलाने की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां जय श्री राम लिखा हुआ है। और इस खास मौके पर दीप जलाना बेहद शुभ होता है क्योंकि जब श्री राम पधारे थे तो दियो को जलाकर ही उनका स्वागत किया गया था, तब से ये प्रचलन शुरू हुआ। और आज तक ये चलता आ रहा है। तो देवी देवताओं की पूजा से लेकर हवन पाठ या किसी भी मांगलिक कार्यक्रम में दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है। दीपक जलाने से न केवल जीवन का अंधकार दूर होता है बल्कि घर में मौजूद तमाम जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो दूर होती हैं। शास्त्रों के अनुसार दीपक जलाने से जीवन की परेशानियां खत्म हो जाती हैं और इसीलिए दीपावली के दिन जो नकारात्मक ऊर्जा है उन्हें खत्म कर सकारात्मक ऊर्जाओं को आमंत्रित किया जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत क्षण, बेहद ही खूबसूरत पल, राम भक्तों का हुजूम आप देख रहे हैं। तीन तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, अयोध्या, जनकपुर और हरिद्वार, ये तीन तस्वीर आप देख रहे हैं। एक तो अयोध्या का हर की पैड़ी और हरिद्वार में हर की पैड़ी, आप दोनों ही जगह पर देखिए दीप प्रज्वलित किए गए हैं और हर कोई बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा है। दीपावली पर जिस तरीके से दिया जलाया जाता है ठीक उसी तरह आज प्राण प्रतिष्ठा का मौका और इस दिन भी दियों को जलाने का आह्वान प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया था और उसको पूरा करते हुए यहाँ पर लाखों श्रद्धालु, लाखों भक्त, राम भक्त नजर आ रहे हैं। पुराणों में जहाँ दिवाली का वर्णन है वहाँ ये नया तथ्य भी सामने आता है कि दीपावली के दिन सिर्फ वहाँ लक्ष्मी के लिए नहीं बल्कि पितरों के निमित्त भी दीप जलाए जाते हैं। लेकिन आज श्री राम के आने की खुशी में, श्री राम क्योंकि अपने सही स्थान पर पधारे हैं इसीलिए भी दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। दीप जलाने से जुड़ी कई रोचक कहानियां हैं लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि आज जो खुशी और आनंद महसूस कर रहे हैं राम भक्त, उस खुशी को आप देख सकते हैं और उस आनंद को आप महसूस कर सकते हैं जो तैयारियां आज की गई हैं। सबसे बड़ी मान्यता दीप प्रज्वलित करने की आपको बताते हैं। दिवाली के दिन की अनेकों मान्यताएं हैं और पूरे देश में ये पर्व कई कारणों से मनाया जाता है। सबसे बड़ा कारण है भगवान श्री राम द्वारा रावण का वध करके माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या नगरी वापस लौटना और आज रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के सफलतापूर्वक पूरा होने पर खुशी का माहौल है। पुराणों में ये वर्णन मिलता है कि जब प्रभु श्री राम अयोध्या वापस पहुंचे तो वो अमावस्या की रात थी और चारों ओर घनघोर अंधेरा छाया हुआ था, इसलिए अयोध्या वासियों में श्री राम के आगमन पर पूरे नगर में साफ सफाई करके सभी रास्तों और घरों पर असंख्य दीपक रखकर पूरी नगरी को रोशन किया गया था और पूरे हर्षोल्लास के साथ भगवान राम का स्वागत किया गया था। 14 वर्ष के वनवास के बाद भगवान राम का स्वागत दीप प्रज्वलित कर अयोध्या वासियों ने किया था और आज 500 साल के बाद जब
श्री राम लला अपने सही स्थान पर विराजे हैं, तो ये खुशी आप अयोध्या से लेकर हरिद्वार और फिर जनकपुर तक भी देखेंगे। इस दिन को हर साल दीपावली के रूप में मनाया जाने लगा और आज भी दीपावली के जैसे ही इस दिन को मनाया जा रहा है। चूंकि दीपावली दियों और प्रकाश का ही पर्व है, इसीलिए इस दिन हम सभी भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी जी के साथ कुबेर जी की पूजा करते हैं और उनके समक्ष घी और तेल के दिए जलाए जाते हैं। शुभ घड़ी का प्रतीक है दिया जलाना और ये दिन अंधकार पर जीत के रूप में भी मनाया जाता है। प्रकाश की अंधकार पर जीत के रूप में मनाया जाता है और सालों का इंतजार जो खत्म हुआ उसके भी तौर पर आज का दिन मनाया जा रहा है और दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। पल पल में।